Alright friends, this question में given है non-isotropic solid metal cube has coefficients of linear expansion as एक value given है along the x-axis और ये value given है along the y and z-axis. If the coefficients of volumetric expansion of the solid is C into 10 to the power minus 6 per degree Celsius, then the value of C is okay. तो straight forward question है, volumetric expansion का जो coefficient होता है, that is given by alpha x plus alpha y plus alpha z. ये अल्फा जो लिखे हैं ये हैं कोफिशिएंट्स ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अलोंग द एक्स वाई एंड जेड एक्सेस. गामा है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन. तो अब अलोंग द एक्स एक्सेस ये वैल्यू गिवन थी 5 इंटू 10 दी पावर माइनस 5 प्लस अलोंग द वाई एक्सेस ये वैल्यू है 5 इंटू 10 दी पावर माइनस 6, जिसे आप ऐसे लिख सकते हैं 0.5 इंटू 10 दी पावर माइनस 5. और यही वैल्यू आएगी अलोंग द जेड एक्सेस भी 0.5 इंटू 10 दी पावर माइनस 5, यानी इवेंचुअली ये वैल्यू आपके पास आ रही है 5 प्लस 1 यानी 6 इंटू 10 दी पावर माइनस 5. आई गेस ये वैल्यू जो है अगर आप इसे माइनस 6 करके लिखना चाहें तो ये वैल्यू आएगी पॉइंट रैदर 60 इंटू 10 दी पावर माइनस 6, राइट. इस तरह से लिख सकते हैं. तो क्लियरली सी की वैल्यू जो है अगर हम कंपेयर करें फ्रॉम द एक्सप्रेशन जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये सी की वैल्यू आपके पास आ रही है 60. So the value of C here is 60.